सर, इमरजेंसी की 25वीं वर्षगांठ है और हम चूंकि इससे 25वीं 25 तारीख है, 25वीं वर्षगांठ नहीं है, और 25 जून हम याद करते हैं इमरजेंसी को लेकर के। लेकिन जो लोग इंदिरा की इमरजेंसी के खिलाफ थे वो पटना में जुटे थे। इस इमरजेंसी का भारत और वो इमरजेंसी जो जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की वो अमेरिका में जाकर भारत के लोकतंत्र की बात, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया उस चीज को कि कैसे उसका खात्मा किया गया, जिन लोगों ने पैदा किया गया। इसके मैसेज क्या है कि जो इमरजेंसी लगाया वो तो क्या था, इसके दो अलग अलग खंड में जरा सा ब्रीफली समझाइए। एक तो वो कि जिसने जिसकी तानाशाही से, जिस पार्टी की सोच की तानाशाही से भारत के लोकतंत्र का वध करने की साजिश हो रही थी, वो लोग भारत की लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। और जिन लोगों ने उसके विरोध में जेपी की अगुवाई में, जो जेपी के चेले चपाटे थे, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मनीष जी, इमरजेंसी पे आऊँ उससे पहले दर्शकों से बात कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी हम लोग जिक्र करते हैं, या जो हम लोग के जो बुजुर्ग दर्शक हैं वो थोड़ा परिचित होंगे। एक तथ्य आप जान लीजिए कि अभी पिछले साल आया था कि हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है वो 25 साल से कम उम्र है। नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि दो तिहाई आबादी हिंदुस्तान की वो 35 से नीचे है, यानी जिनकी उम्र 35 साल है वो आबादी 66% है। तो आप ये समझिए कि इमरजेंसी आज से 48 साल पहले लगाई गई थी, तो उस तथ्य से 66% लोग तो उस इमरजेंसी के समझिए 15 साल बाद, 13 साल बाद वो पैदा हुए, तो वो तो इमरजेंसी के बारे में जानते नहीं। उसको देखना तो बड़ी बात रही, जिन्होंने तो पढ़ा लिखा हो थोड़ा बहुत, उसमें वो जिनकी रुचि होगी उन्होंने पढ़ा होगा, अन्यथा इस देश में इमरजेंसी नाम से कांग्रेस ने कैसा पाप किया था इससे लोग अनभिज्ञ हैं। और ये इमरजेंसी की कहानी शुरू करूं इससे पहले, उसी जिस पे अभी हम लोग आधा आधा घंटे बात कर रहे थे, वो खालिस्तान की कहानी भी इसी से जुड़ती है। और उसके बाद वो सारा सारा किस्सा ही साफ हो जाता कि आज जो जिनका अभी जिक्र किया, जिन पापियों का संहार हो रहा है पूरी दुनिया में कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी जान को खतरे में डाल के कर रहे हैं, वो पाप जो है पाप का जहर वो कांग्रेस ने ही बोया था। मनीष जी, अभी किताब लिखी है रा के पूर्व अधिकारी जीबीएस सिद्धू ने, आईपीएस हैं यूपी कैडर के, उनका कई कुछ यूट्यूब उस पर उनका इंटरव्यू भी है, वो अंग्रेजी में ज्यादातर में। तो मनीष जी, उन्होंने खुलकर कहा है, अब जरा ये उसी पुरा खालिस्तान से जुड़ जाता है कि वो उस जिस दौर के हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं उसी दौर में वो रा में थे, सन 71 या 72 में वो रा में आ गए थे। तो उनकी पोस्टिंग कनाडा में ही थी और उन्होंने कहा कि मैं वहां पे पोस्टेड रहा 72 से 79 तक। उन्होंने कहा कि खालिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी कनाडा में, कोई उसको जानता नहीं था। उसने दो तीन नाम उन्होंने बताया कि वो प्रोफेसर प्रोफेसर थे, कहें वो आपस की बातचीत में करते थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि चार आदमी के अलावा पांचवा आदमी वहां कनाडा में इस तरह का कोई नहीं था। कहा एक किसी फंक्शन में मुझे बुलाया गया था और उसमें जब मैं बोलने लगा तो वही उसी में से एक जो था वो मेरे ऊपर मेरे से झपटा झपटी करने लगा कि तुम हिंदू सरकार के गवर्नमेंट के आदमी हो, फलाना पकड़। तो क्या वहां के चार पांच सिखों ने ही उसको पकड़ के पीटा और उसको हाल के बाहर कर दिया कि तुम ये बवाल करने के लिए यहाँ आए हो। तो कहें लेकिन जो सबसे खास बात है मनीष जी, उनका उनकी किताब पढ़ने लायक है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के नाम से अंग्रेजी में किताब है, या उनका इंटरव्यू सुनिए। तो वो खुलकर कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि ये खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाओ, इसको तेज करो, इसको फैलाओ, ये हो। और उसका मनीष जी उन्होंने कारण भी बताया कि कांग्रेस ये कहती थी कि ये भिंडरा वाले को प्रोजेक्ट करो, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाओ और हिंदुओं के डर मन में इतना डर पैदा कर दो कि अगर ये भिंडरा वाले रहा तो हमारी जान को खतरा है और 85 के चुनाव से पहले हम भिंडरा वाले को मार देंगे और उस पे हम सारे हिंदुओं का वोट हमको मिल जाएगा। और उस पर उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने बनाई थी कि 71 में 72 में जब हम जीत के आए थे तो 77 में हम हार गए थे, तो अब की कुछ ऐसा करो। 80 में उनके चुनाव जीतते ही प्लानिंग बन गई थी कि भिंडरा वाले और खालिस्तान मूवमेंट इतना बढ़ा दो, दुनिया में बढ़ाओ, ताकि हर हिंदू को इनसे डर लगने लगे। और बाद में हम 6 महीना पहले जिस तरह से उन्होंने भिंडरा वाले को मारा, सबने देखा कि भिंडरा वाले को मार देंगे और उसके बाद वाह वाही हमारे पूरे देश में होगी, हम चुनाव
जीत लेंगे, लेकिन क्या वो जो बढ़ाया उसको, वो हाथ से बाहर हो गया खेल, और क्या हुआ वो तो दुनिया ने देखा है। और उसमें मनीष जी एक किस्सा उन्होंने और बताया है, जरा अभी इमरजेंसी की पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी लगी क्यों थी। कि एक एक चर्चा बहुत होती है मनीष जी, जो खालिस्तानी आतंकवाद फैला था 80 के दशक में, डीआईजी अटवाल की हत्या की गई थी, मेरे ख्याल से अप्रैल में की गई थी, अप्रैल 83 में की गई थी। और वो उनकी लाश 2 घंटे स्वर्ण मंदिर के बाहर पड़ी रही थी, और पंजाब पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसको जाकर उठा लाए। ये कहानी बताई जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि इतना आतंक था, ये कैसा खैराती बढ़ाते, जो दिल्ली की मीडिया है, ये वही कुछ मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे कि ये हम लोगों को यही कहानी बताती सुनाती आई है कि डीआईजी अटवाल की हत्या कर दी थी भिंडरा वाले ने, सब बाहर फेंक दिया था, और हिम्मत नहीं पड़ रही थी पंजाब पुलिस को उसको उठाने की, 2 घंटे लाश पड़ी रही, बाद में आर्मी जाके उठाया। जबकि मनीष जी वो जीवीएस सिद्धू बता रहे हैं कि जिस जैसे ही जीवीएस आईजी अटवाल की हत्या की खबर मिली, पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे, उन्होंने दिल्ली फोन किया, उन्होंने कहा कि इस समय भिंडरा वाले स्वर्ण मंदिर में भी नहीं है, वो कोई रामदास सराय या गुरु रामदास सराय में है, और मैं उसको गिरफ्तार करने जा रहा हूं, उसको गिरफ्तार मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। तो आपको ताजुब होगा कि दिल्ली की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार ने मना कर दिया दरबारा सिंह से कि गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं नहीं, है, क्योंकि भिंडरा वाले को हीरो बनाना था, उसका आतंक फैलाना था देश में, ये समझिए। और वो ये बात अगर जीबीएस सिद्धू ने किताब न लिखी होती, वो इंटरव्यू ना दे रहे होते, तो हम लोग यही आज तक पढ़ते चले आ रहे थे कि अटवाल की हत्या कर दी थी, और पंजाब पुलिस की हिम्मत लाश उठाने की नहीं हो रही थी। जबकि सच यह है कि दरबारा सिंह ने कहा था कि इसको कुत्ते की मौत मार देंगे, हम तुरंत पकड़ लेंगे इसको, आदेश करो, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि इसको मत पकड़ो, इसको बढ़ाओ। लेकिन अटवाल की हत्या से दरबारा सिंह आहत हो गए थे, उन्होंने कहा था ये इसको मैं तुरंत अभी पकड़ के इसको सबक सिखाता हूं, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने मना कर दिया था। यह है खालिस्तान जिसको आज हम लोग भोग रहे हैं, या उस समय तो भोग ही भोगा, और उस वो आज भी हम सब भोग रहे हैं। जरा वो किताब पढ़ने लायक है जीबीएस सिद्धू की, तो ये इनको नंगा क्यों, ये नंगे हुए हैं 2022-23 में जाके इससे। और फिर वही बात मनीष जी की, ये मीडिया हिंदुस्तान का ये लगातार हम लोग को यही बताता रहा कि कोई बहुत बड़ा आतंक का सितारा था। और मैं तो मनीष जी एक और इसमें थ्योरी जोड़ता हूं, अभी इमरजेंसी भी तो आते हैं, कि जो प्लान कांग्रेस का था कि भिंडरा वाले को मार देंगे, हिंदुओं की वाहवाही मिलेगी और हम चुनाव जीत लेंगे, तो मुझको लगता कि ये प्लान बनाने वाला कोई और था, उसमें इंदिरा गांधी की हत्या भी शामिल थी, और इसीलिए चुनाव से 6 महीने पहले इंदिरा गांधी की हत्या की गई, और उस हत्या के दम पर 400 से ज्यादा सीटें जीत कर लाई गई, राजीव गांधी आए, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, और सोनिया गांधी स्थापित हो गई हिंदुस्तान की राजनीति में। तो ये प्लान बनाने वाला कोई और था, इंदिरा गांधी फेस थी। ये जरा इस अंगे से सोचिए, जो जीबीएस सिद्धू कह रहे हैं बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, और वो अर्रा के अंदर इंसाइडर है वो, तो ये प्लानिंग कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, ये कहाँ ले जा रहे थे, ये कोई ईश्वरी कृपा मानिए कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए और इनका सारा ट्रैफिक ध्वस्त हो गया, सारे इनके पुल टूट गए, इनके रास्ते टूट गए, ये लगड़े लूले होके वहीं बैठ गए सड़क के ऊपर, वो नहीं तो देश को तबाही की तरफ कहाँ ले जा रहे थे। ये जरा तो वो अभी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि 66% आबादी है जो पैदा ही नहीं हुई थी, उसको इन सब चीजों से मालूम नहीं है, तो उसका लाभ ये लोग उठाते रहे, लेकिन अब लोगों को बताइए, लोगों को अवगत कराइए, और नहीं कराएंगे तो उसका परिणाम आप लोग भोगने के लिए तैयार रहिए। अक्सर मनीष जी से अक्सर कहते हैं लोग, मैं कमेंट देखता हूँ कि डिबेट हमारी लंबी हो जाती है, तो डिबेट हमारी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम कोई पिक्चर की कहानी नहीं सुनाते, बिल्कुल हम इस देश का कोई दुख दर्द बताते हैं, कोई पीड़ा बताते हैं, कोई उसका कैंसर है जो देश का वो बताते हैं, तो फिर उसमें कुछ कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। ये समय इसलिए लग जाता है, केवल प्रपंच करने के लिए नहीं आता कि कोई ऐसा प्रपंच हो। और मैं जो बोल रहा हूँ, जीबीएस सिद्धू की जो बात बता रहा हूँ, जरा सोचिए आप कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश के साथ पिछले 30-40 साल से हो रहा था, कि उस भिंडरा वाले को जो एक जोकर टाइप का आदमी था, वो जीबीएस सिद्धू ने खुलकर कहा कि उसके कोई औकात नहीं थी,
उनको आदेश किया गया था पुलिस वालों को, जरा एक और मनीष जी उन्होंने क्या कि आप लोग उसको श्रीमान और सर कह के बात करेंगे, कहे वो लफंगा था और उसमें वो खुलकर नाम ले रहे हैं मनीष जी, तो अब उसमें से 3 लोग तो रहे नहीं लेकिन एक अभी जिंदा है, और वो जो आधी आबादी बाद में पैदा हुई है उसका लाभ उठा रहा वो आदमी, उन्होंने 4 आदमी को इस पूरे खालिस्तान मूवमेंट के लिए जिम्मेदार बताया है, एक इंदिरा गांधी, एक संजय गांधी, एक माखनलाल, एक इंदिरा गांधी, संजय गांधी, माखनलाल पोतेदार और कमलनाथ, माखनलाल पोतेदार नहीं, ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, जैल सिंह और कमलनाथ। कमलनाथ अभी जिंदा है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है वो आदमी, लानत है मध्य प्रदेश की जनता को जो इसके बाद उस आदमी को वोट देती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो जिसके बनाई लिए थी, 1 लाख मतलब बनाई 5 साल के लिए चुनाई गया था वो, जिसके लिए 2018 में खुलकर, कमलनाथ जिसके लिए खुलकर, को। जिसके लिए खुलकर एक राग अधिकारी बता रहा, और कमलनाथ की औकात नहीं कि उसको चैलेंज कर दे, क्योंकि वो तथ्यों के साथ उसके बाद कुछ और भी ज्यादा मुंह खोल देगा। और जिस आदमी का ये रोल रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें हजारों लाशें गिर गई, हजारों सिख मर गए, हजारों हिंदू मर गए, और वो आदमी उस षड्यंत्र का सबसे, 4 जो षड्यंत्रकारी थे उनमें से एक था, उस कमलनाथ को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाना चाहती है मध्य प्रदेश का, और ये दिल्ली के खैराती बैठ के कह रहे हैं कि वो बड़े प्रबल दावेदार हैं, वो चुनाव जीत भी सकते हैं, ये पत्रकारिता का पतन है, पत्रकारिता की लाश ढो रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये कमलनाथ की सच्चाई बताने से इनको कौन रोक रहा है? पार्टी चलिए अब कांग्रेस तो ढो सकती है, समझ में आता है, लेकिन ये पत्रकार का जो नियम है, पत्रकार का जो धर्म है, पत्रकार का जो पत्रकारिता का जो कर्तव्य है, वो तो यह है कि जो आदमी अपने आप को बता रहा है कि मैं बड़ा शरीफ हूं, उसका सच बताए। ये आदमी इतना खतरनाक है, ये 30-40 साल हम लोगों से झूठ बोलते रहे और आज भी हमसे झूठ बोल रहे हैं।